तो सबसे पहले ये सारा दिख रहा है आप लोगों को। मैं इस कमरे में व्हाइट पेंट भी करवाया भैया को बोल के। सो गाइस आपको दिखाती हूं जा रही हूं छत। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हो? बढ़िया होंगे एकदम? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोगों को होम टूर करा रही हूँ ना। ये पहले मेरा इसी बिल्डिंग में नीचे था ना, फिर अब मैंने सिंगल रूम ले लिया है तो दिखाती हूँ आप लोगों को। आओ गाइस। तो सबसे पहले ये सारा दिख रहा है आप लोगों को। चलो अब मैं एक एक घर को बताती हूँ। सो गाइस ये जो पर्दा है इसी रूम में मुझे मिला हुआ है, ये पर्दा। मेरे को पर्दा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे इस रूम में कूलर भी प्रोवाइड हुआ है, देख सकते हैं आप, नहीं तो मुझे खरीदना पड़ता। और गाइस ये कर दिया डेकोरेट मैंने, एक ही गमला रख के बस था। और यहाँ पे मुझे चेयर भी प्रोवाइड हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये रहा मेरा बेड, और इसमें भी मुझे बेड, तो बेड ये सिंगल सिंगल मिले जो मैं डबल कर दिया है। और एक गद्दा भी मिला था मुझे, इतना ही मैंने अपनी फ्रेंड से लिया है। तो और ये देख सकते हैं हैंगर बोलते, और इसमें मैंने अपने सारे पर्स लटका दिए हैं साइड बैग वगैरह। और इस कमरे में मैंने पोस्टर भी लगाया गाइस, देख सकते हैं आप। और थोड़े से पोस्टर बच चुके थे तो मैंने यहाँ भी लगा दिया। और मैंने इस कमरे में वाइट पेंट भी करवाया भैया को बोल के, मगर मैंने को बोल के। तो देख सकते हैं आप वाइट कलर अच्छा लग रहा ना। और ये रहा शीशा, मेरे कमरे में ऑलरेडी एक शीशा था बट ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। और देख सकते हैं आप इसको मैंने डेकोरेट कर दिया, ये प्लांट लगा दिए, मनी प्लांट लगा के फेंक है ये। और ये लाइट्स भी लगा दिया मैंने, रात को अच्छा लगता है इसलिए। तो दिखा दी आप लोग को, ऐसे ब्लू लाइट चलती है इसमें। तो और ये रहा मेरा स्टडी टेबल जो यहीं से लिया है मैंने चंडीगढ़ से, और मैं इसमें क्लास लगाती रहती हूँ, ऑनलाइन पढ़ती रहती हूँ। और अब गाइस ये जो आप लोगों को फ्रिज दिख रहा है, ये भी मुझे इसी रूम में मिला है। यहाँ के जो मकान मालिक है बहुत अच्छे हैं, कूलर फ्रिज चेयर ये सब बेड सब प्रोवाइड किया इस कमरे में। अलमारियाँ तो देखने लायक नहीं है, देखो अलमारी तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, बस मेरे को एक सिंगल रूम देखने तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने भगवान भी रखे हैं, गणपति पापा मोरिया, तो इन्हें भी रखा है मैंने यहाँ। और ये गाइस मेरा किचन देख सकते हैं, जो कि ऐसा है, ये मैं घर से ले गया कि ये और ये। और तो ये मेरे गाइस देखो दाल चावल वगैरह। और ये गाइस मुझे ना ये पानी टर्मिनल का पानी खरीदना पड़ता है, 85 रुपीज़ का है स्टार्टिंग में, इसको 300 रुपये का लेते हैं, मतलब 280 तक के। फिर बात 20 लीटर का। और ये गाइस एक मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, और ये भैया को देना है, जैसे ये भराया तो दूसरा वापस देना पड़ता है, बट अभी मैं दे रही हूँ, आज शाम को मैं ये दे दूँगी भैया को। और गाइस और तो बस किचन ऐसा है मेरा, और क्या बोलूँ मैं, किचन बहुत खुला मिला है मेरे को, अच्छा है, स्पेस भी ज़्यादा है इधर हमारे, मेरे को सिंगल इंसान को तो बहुत ज़्यादा है। और गाइस चलो ये मटका दे सकते आप, ये मेरे बुल्ला का गाइस हाथ में दिखा दिखा फिर गाइस मेरा बुल्ला, ये देखिए गुलाब। और इस गुलाब में मैंने ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया है, दिखाऊं गाइस, आवाज नहीं आ रही ना क्योंकि बहुत नोट है। सो गाइस आपको दिखाती हूँ, जाना ये गाइस ये मेरा नहीं है, ऑलरेडी इसी रूम में था क्योंकि पता नहीं पहले वाले रूम में इतने जो दिया है रूम वाले ने क्या होगा, रूम क्या तो मैंने मेरा दिया सुंदर लगता था। चलो गाइस अब मैं आप लोगों को अलमारी के अंदर क्या रखा है दिखाती हूँ, ऊपर वाले में नहीं दिखाओगे ना, एक मैं दिखाऊंगी।
देखूंगा ऐसे ये खाना बच गया मेरे को, ये बुक्स वगैरह ऐसे से जैसा मैं चाहती थी गाइस, वैसे ही सेम बाथरूम मिला मुझे, रूम के अंदर ही बाथरूम, किचन भी इसी के अंदर, सब कुछ। तो और बस, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये रूम, और मैंने पहली बार में इसको सिलेक्ट कर दिया, और मेरी फ्रेंड ने बोला था कि यहाँ रूम खाली है तो मैं फटाफट आ गई, और वो कहने लगे तो बहुत ही अच्छा। आप लोगों को मैं बालकनी छत दिखाती हूँ, आज चलो यहाँ मैं जो होते हैं पार्टी करते हैं, ये रहे कपड़े। तो यहाँ पे देखिए इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स के ढेर लगाए हुए हैं, देखो देखो, ये तो एलोवेरा है ना, ये शायद यहाँ पे जो दीदी होती पड़ोस में उन्होंने लगाया, और ये देखो पुदीना। अब हम यहाँ हम भी यहाँ से पुदीना लेंगे, पुदीने की चटनी लेंगे, और ये देखिए सारा, और यहाँ से पूरा घर घर ही घर। और हम रात को यहाँ टहलते हैं, और इसके ऊपर एक और छत है, चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलो गाइस देखो ये छत, एक और इतनी धूप पड़ रही गाइस, तो वो बन चुकी हुआ, तो ये रहा छत, यहाँ पे वॉक कर सकते हैं रात को, करते हैं बहुत लोग तो यहाँ पे रहते सारे। बस सॉरी रहा व्यू, पर घर ही घर भरे हुए, वैसी बात नहीं है यहाँ पे जो हमारे पहाड़ में, क्यों देखो पहले भी दिखाओ। तो गाइस यहाँ पे बिजली का बिल भी 10 यूनिट है, बढ़िया है, और जगह तो 8 भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारे 10 है। और गाइस यहाँ पे बहुत फैसिलिटी हैं, और रेंट भी मेरा बिल्कुल ठीक है, मतलब कम है, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते है ही नहीं, ठीक ठाक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। और गाइस आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन पे क्लिक करना, और कमेंट करना कि कैसा है वो। और चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे ब्लॉग के साथ, ठीक है गाइस, बाय बाय।